हेलो आज इस वीडियो में हम लेसन सेवन द शू शाइन के क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे मैं उन्हें हिंदी में भी समझाती जाऊंगी इसमें सभी इंटेक्सट एंड टर्मिनल क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया गया है तो इंटेक्स क्वेश्चन सेवन पॉइंट वन रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर वन व्हाई कुड द यंग मैन नॉट अफोर्ड टू बाय इवन अ प्लेट ऑफ पोटैटो चिप्स एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी जो यंग मैन था वो पोटैटो चिप्स की एक प्लेट और एक कप कॉफी का क्यों नहीं खरीद सकता था आंसर ही वॉज़ अनएम्प्लॉयड एंड हैड जस्ट फाइव रुपीज़ इन हिज़ पॉकेट वो बेरोज़गार था मतलब उसके पास नौकरी नहीं थी और उसकी जेब में सिर्फ पाँच रुपये थे क्वेश्चन नंबर टू वाई डिड द यंग मैन रिफ्यूज़ टू गेट हिज शूज़ पॉलिश यंग मैन ने अपने जूते पॉलिश करवाने से क्यों मना कर दिया आंसर ही डिडेंट हैव सफिशियंट मनी टू पे फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड अ प्लेट ऑफ पोटैटो चिप्स इवन दो ही वॉज हंगरी वो भूखा था लेकिन फिर भी उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक कप कॉफ़ी खरीद सके और एक पोटैटो चिप्स की प्लेट ख़रीद सके गेटिंग हिज शूज़ पॉलिश वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम और जूते पॉलिश करना उसके लिए ज़रूरी नहीं था क्वेश्चन नंबर थ्री इंस्टेंटली द थाट सीज मी टू वट थाट डज द स्पीकर रेफर टू उसके दिमाग में एक सोच आई कौन सी सोच थी जिसकी वो बात कर रहा था आंसर दैट ही शुड स्टार्ट पॉलिशिंग शूज़ एंड वर्क एज अ शू शाइन टू अर्न हिज लाइवलीहुड उसने सोचा कि वो जूते पॉलिश करना शुरू कर दे और एक जूते वाले की तरह काम करे शू शाइन की तरह काम करे और अपनी जीवी का कमाए क्वेश्चन नंबर फोर वट डज़ द एक्सप्रेशन ही रीड इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन इस कॉन्टेक्स्ट में जब ही रीड इट आया तो इसका क्या मतलब है आंसर ही शुड अंडरस्टैंड वॉट ही मैंट इसका मतलब है कि उसको समझना चाहिए कि उसके कहने का क्या मतलब है क्वेश्चन फाइव हैड यू बीन इन सच अ सिचुएशन नो जॉब नो मनी इन द पॉकेट वट वुड हैव बीन योर रिएक्शन अगर आपके साथ में ऐसी कभी सिचुएशन हुई कि कोई नौकरी नहीं है और जेब में पैसे भी नहीं हैं तो इस इस सिचुएशन में इस हालात में आप क्या करोगे If I had been in such a situation, I would have accepted any type of respectable job. मैं कोई भी इज्जतदार जॉब जो है वो ऐसे सिचुएशन में ऐसे हालात में एक्सेप्ट कर लूँ नेक्स्ट हाउ मच मनी डिड द ऑथर हैव इन हि पॉकेट उसकी पॉकेट में जो लेखक था उसकी पॉकेट में कितने पैसे थे पिक आउट द वर्ड्स विच हेल्प यू टू फाइंड द आंसर वो वर्ड्स बताइए जिनसे आपको ये आंसर पता लगा है आंसर द ऑथर हैड जस्ट फाइव रुपीज़ लेखक के पास सिर्फ पाँच रुपये थे और ये वो बर्ड्स हैं जिससे भी पता लगता है बट द सिंपल फैक्ट इज़ दैट आई ओनली हैव फाइव रुपीज़ एंड सम लूज चेंज जब उसने कहा था कि फैक्ट ये है कि मेरे पास सिर्फ पाँच रुपये और कुछ खुले हुए पैसे हैं क्वेश्चन नंबर सेवन देर वॉज अ पज़ल्ड एंड हर्ट एक्सप्रेशन ऑन इस फेस वाई वॉज द शू शाइन पज़ल्ट एंड हर्ट उसके चेहरे पे आ, कुछ परेशानी के और कुछ उसको आहत पहुंची है उसको चोट पहुँची है ऐसे भाव थे उसके चेहरे पे तो शूशाइन जो है वो कंफ्यूज क्यों था और उसको क्या चोट पहुँची थी क्यों पहुँची थी आंसर द शू शाइन वॉज पज़ल्ड एंड हर्ड टू थिंक दैट एन एजुकेटेड मैन वुड थिंक ऑफ पॉलिशिंग शूज़ वॉज बियॉन्ड हिज इमेजिनेशन वो इसलिए बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था और उसको चोट पहुँची थी क्योंकि वो सोचता था कि एक पढ़ा लिखा इंसान एक शू पॉलिश के बारे में कैसे सोच सकता है ये उसकी कल्पना से भी बाहर था ही वॉज़ हर्ट एट सच एन आइडिया फ्रॉम एन एजुकेटेड मैन उसको चोट पहुंची थी इस बात से कि एक पढ़ा लिखा इंसान हो के लेखा कैसा सोचता है क्वेश्चन नंबर एट द शू शाइन सजेस्टेड दैट द ऑथर शुड गेट हिज शू पॉलिश वट रीज़न डिड ही गिव शू शाइन ने यह सलाह दी लेखक को कि उसको अपने जूते पॉलिश करने चाहिए उसने इसके लिए क्या वजह बताई क्या कारण बताया आंसर एन अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड मैन कैन इम्प्रेस द ऑफिसर इन द ऑफिस एंड दैट माइट हेल्प हिम टू गेट अ जॉब उसने ये रीज़न बताया कि एक जो बेरोज़गार आदमी है वो किसी ऑफिसर को इम्प्रेस कर सकता है किसी ऑफिस में और इससे उसको जॉब मिलने में भी आसानी होगी क्वेश्चन नंबर नाइन बट इफ़ आई कैन परसुएट द अदर्स शोभन लाल सैड ब्रेकिंग इन टू माई थाट्स श्रोवन लाल ने उसकी सोच को तोड़ते हुए कहा कि शायद मैं दूसरों को मना पाऊँ पर करना क्या होता है दूसरे को किसी बात के लिए मना लेना क्वेश्चन नंबर वन है इससे रिलेट करता हुआ कि हु वर द अदर्स अदर्स कौन थे ये और क्वेश्चन नंबर टू है वॉट थाट्स ऑफ द नरेटर आर बींग हिंटेड कि यहाँ पे किस सोच की बात की गई है तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का अदर्स शोशाइन बॉयज वर्किंग इन क्रॉट सर्कस कि अदर्स कौन है ये दूसरे शोशाइन लड़के हैं जो कि क्रॉट सर्कस में काम कर रहे थे और सेकंड का आंसर हो जाएगा टू वर्क एज अ शोशाइन बिकेम हिज गोल वो सोच रहा था जो नरेटर था नरेटर भी क्या होता है लेखक वो ये सोच रहा था कि उसका ये गोल ये एम बन गया है उद्देश्य बन गया है कि उसको एक शोशाइन की तरह काम करना है इंडेक्स क्वेश्चन सेवन पॉइंट टू Question number 1 why did Shovanlal initially show his reluctance to accept the young man's proposal Shovanlal shuruaat mein ush young man ka jo proposal tha usko accept karne mein kyo raha tha? answer he feared his other friends shoeshine boys would not approve of the inclusion of the young man of, for possible loss of their earning to some extent as one more shoeshine would reduce each shoeshine boys earning उसको ये डर था कि जो बाकी उसके दोस्त हैं वो दोस्त कौन है बाकी के शू शाइन बॉयज़ वो इसको अप्रूव नहीं करेंगे कि एक और यंग मैन को शामिल कर लिया जाए उनमें ताकि जो उनकी अर्निंग है जो उनकी कमाई होती है उसमें कुछ हद तक फ़र्क पड़ जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगी रिड्यूस कम हो जाएगी जो उनकी अर्निंग है क्वेश्चन नंबर टू वाई वॉज पॉलिशिंग शूज़ ऑन द पेमेंट ट्रीटेड लाइक बैगिंग फुटपाथ पे जूते पॉलिश करना भीख मांगने की तरह क्यों समझा जाता था आंसर दे डिडेंट हैव एनी इस्टबलिशमेंट एज अदर बिजनेस मैन हैड दे कौन है शूश बॉयज उनका कोई ऐसा प्रतिष्ठान नहीं था जैसे कि दूसरे बिजनेस के लोगों का होता है क्वेश्चन नंबर टू वॉट ट्रबल वॉज द शूश यूनियन हैविंग विद द अथॉरिटीज़ अथॉरिटीज़ के साथ जो शू यूनियन थी उनकी क्या परेशानी चल रही थी आंसर दे डिड ग्रांट रिकोगशन टू द शू एसोसिएशन दे वर ट्रीटेड एज बैगर्स एंड देयर प्रोफेशन इक्वलेंट टू बैगिंग उनका कोई पहचान नहीं थी जो भी सुशाइन एसोसिएशन थी उनकी कोई पहचान नहीं थी और उनसे उनको ऐसे समझा जाता था जैसे वो भिकारी हैं और उनके प्रोफेशन को एक भीख मांगने की तरह समझा जाता था सी हाउ डिड शोमन लाल एंड इज़ फ्रेंड्स हेल्प द ऑथर शोमन लाल और उसके दोस्तों ने लेखक की मदद कैसे की आंसर दे कलेक्टेड मनी टू बाय द किट फॉर द यंग मैन टू स्टार्ट एज शूशाइन शाइन की तरह काम शुरू करने के लिए उन्होंने यंग मैन की किट खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे किए क्वेश्चन नंबर थर्ड वट क्वालिटी ऑफ शोभन लाल कैरेक्टर इज़ एविडेंट इन हिज एफर्ट्स उसने जो कोशिशें करी उससे शोभन लाल की क्या कैरेक्टर का पता लगता है कि वो किस तरह का उसका चरित्र कैसा था वो कैसा था शोभन लाल आंसर शोमन लाल वॉज कॉपरेटिव जेस्चर एंड ही इज़ अ लार्ज हार्टिड मैन वो बहुत सहयोग करने वाला था और बहुत बड़े दिल का आदमी था ही हैज़ एम्पथी साथ ही उसमें एम्पथी भी थी एम्पथी सहानुभूति को कहते हैं क्वेश्चन नंबर फोर वट सोल्यूशंस वर ऑफर्ड बाय शोभन लाल एंड अदर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स शो शोभन लाल और उसके दोस्तों ने समस्या को हल करने के लिए क्या बताया आंसर शोमन लाल सैड दैट द यंग मैन विल हैल्प द मेम्बर्स ऑफ द शू शाइन एसोसिएशन इन देअर करस्पॉन्डेंस विद द ऑथोरिटीज़ एज अदर वर नॉट गुड एट ड्राफ्टिंग इन इंग्लिश शोमन लाल ने कहा कि जो यंग मैन है यंग मैन कौन है वो लेखक जिसको शू शाइन बनना है कि वो जो है शू शाइन एसोसीशन की जो पत्राचार होगा उनके साथ ऑथोरिटी के साथ उनमें मदद कर देगा क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश में लिख सकता है अब टर्मिनल क्वेश्चंस रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर वन हाउ डिड शोमन लाल रिएक्ट टू द यंग मैंस प्रपोजल टू स्टार्ट एज़ अ शू शाइन जब यंग मैन ने यह कहा कि मैं शू शाइन बनना चाहता हूँ तो शोमन लाल ने कैसे रिएक्ट करा आंसर शोमन लाल वॉज शॉकड सरप्राइज एंड हर्ट एंड डिडेंट बिलीव दैट एन एजुकेटेड मैन डिडेंट हैव मनी इनफ टू गेट द शूज़ पॉलिश शोमन लाल जो है वो हैरान रह गया और उसको थोड़ा चोट भी पहुँची उसको यकीन नहीं हुआ था कि एक पढ़ा लिखा आदमी के पास भी इतना पैसा नहीं होता कि उस वो एक जूते भी पॉलिश करा क्वेश्चन नंबर टू वाई वॉज पॉलिशिंग शूज़ ऑन द पेमेंट ट्रीटेड लाइक बैगिंग फुटपाथ पे जूते पॉलिश करना भीख मांगने की तरह क्यों समझा जाता था आंसर दे डिडेंट हैव एनी इस्टब्लिशमेंट एज अदर बिजनेस मैन हैड दे कौन है शूज शाइन बॉयज़ उनका कोई ऐसा प्रतिष्ठान नहीं था जैसे कि दूसरे बिजनेस के लोगों का होता है क्वेश्चन नंबर टू What trouble was the Shushan Union having with the authorities? Authorities ke saath jo Shushan Union thi, unki kya chal rahi thi? Answer: They didn't grant recognition to the Shushan Association. They were treated as beggars and their profession equivalent to begging. उनका कोई पहचान नहीं थी जो भी शूशाइन एसोसिएशन थी उनकी कोई पहचान नहीं थी और उनसे उनको ऐसे समझा जाता था जैसे वो भिकारी हैं और उनके प्रोफेशन को एक भीख मांगने की तरह समझा जाता था सी हाउ डिड शोमन लाल एंड हिज फ्रेंड्स हेल्प द ऑथर शोमन लाल और उसके दोस्तों ने लेखक की मदद कैसे की आंसर दे कलेक्टेड मनी टू बाय द किट फॉर द यंग मैन टू स्टार्ट एज शोशाइन शोशाइन की तरह काम शुरू करने के लिए उन्होंने यंग मैन की किट खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे किए क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट क्वालिटी ऑफ शोभन लाल कैरेक्टर इज एविडेंट इन हिज एफर्ट्स उसने जो कोशिशें करी उससे शोभन लाल की क्या कैरेक्टर का पता लगता है कि वो किस तरह का उसका चरित्र कैसा था वो कैसा था शोभन लाल आंसर शोभन लाल वॉज कॉपरेटिव जेस्टर एंड ही इज़ अ लार्ज हार्टिड मैन वो बहुत सहयोग करने वाला था और बहुत बड़े दिल का आदमी था ही हैज़ एम्पथी साथ ही उसमें एम्पथी भी थी एम्पथी सहानुभूति को कहते हैं क्वेश्चन नंबर फोर वट सोल्यूशंस वर ऑफर्ड बाय शोभन लाल एंड अदर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स शोभन लाल और उसके दोस्तों ने समस्या को हल करने के लिए क्या बताया आंसर शोमन लाल सैड दैट द यंग मैन विल हेल्प द मेंबर्स ऑफ द शू शाइन एसोसिएशन इन देयर करस्पॉन्डेंस विद द अथॉरिटीज़ एज अदर वर नॉट गुड एट ड्राफ्टिंग इन इंग्लिश शोमन लाल ने कहा कि जो यंग मैन है यंग मैन कौन है वो लेखक जिसको शू शाइन बनना है कि वो जो है शू शाइन एसोसिएशन की जो पत्राचार होगा उनके साथ ऑथोरिटी के साथ उनमें मदद कर देगा क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश में लिख सकता है टर्मिनल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन हाउ डिड शोमन लाल रिएक्ट टू द यंग मैनस प्रपोजल टू स्टार्ट एज अ शू शाइन शोमन लाल ने कैसे रिएक्ट करा था जब यंग मैन ने यह प्रपोजल दिया कि वो भी एक शू शाइन की तरह काम करना चाहता है आंसर शोमन लाल वॉज शॉक्ड सरप्राइज एंड हर्ट एंड डिडेंट बिलीव दैट एन एजुकेटड मैन डिडेंट हैव एनअ मनी टू गेट हिज शूज पॉलिश शोभन लाल जो है वो हैरान रह गया और उसको हर्ट भी हुआ उसको यकीन नहीं हुआ कि एक पढ़े लिखे इंसान के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो अपने जूते भी पॉलिश करा सके। क्वेश्चन नंबर टू डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द यंग मैन एंड शोभन लाल द शूशाइन बॉय जो यंग मैन की और शोभन लाल की पहली मीटिंग हुई थी उसको बताइए आंसर शोभन लाल इंसिस्ट ऑन गेटिंग द यंग मैन शूज़ पॉलिश शोहन लाल जो है वो इंसिस्ट करता है ज़ोर देता है कि यंग मैन जो है वो अपने जूते पॉलिश करा लें द ऑथर डिडेंट हैव इनफ मनी टू पे फर्स्ट शू पॉलिश लेकिन ऑथर के पास लेखक के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने जूते पॉलिश करा सके द यंग मैन एक्सप्लेन हिज प्रॉब्लम एंड ऑफर्स टू वर्क एज अ शूशाइन तब जो यंग मैन है वो एक्सप्लेन करता है अपनी प्रॉब्लम समस्या को बताता है और ये ऑफर करता है कि वो भी शू शाइन की तरह काम करेगा इट सरप्राइजिज शोभन लाल बट ही अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड रेडी टू हेल्प द ऑथर ये सुनकर जो शोभन लाल है वो हैरान रह जाता है लेकिन वो उसकी प्रॉब्लम को समझता है और लेखक की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्वेश्चन नंबर थ्री वट ऑब्जेक्शंस डिड द मेंबर ऑफ द शू शाइन एसोसिएशन हैव इन एक्सेप्टिंग द यंग मैन एज अ मेंबर क्या ऑब्जेक्शन उठाए थे उनके शूशाइन एसोसिएशन के जितने भी सदस्य थे उन्होंने इस बात को मानने से कि उस यंग मेंबर को उस यंग मैन को उस ऑथर को भी एक सदस्य बना लिया जाए हाउ फार डू यू एग्री देयर ऑब्जेक्शंस आप कहाँ तक उनके ऑब्जेक्शन से सहमत हैं आंसर अदर मेंबर्स वर इनिशियली रिलेक्टेंट शुरू में जो बाकी के सदस्य थे वो उस बात को नहीं मान रहे थे देयर इनकम वुड बी रिड्यूस्ड उनकी जो इनकम थी वो कम हो जाती एंड दस विल बी सफरिंग ड्यू टू फाइनेंशियल लॉस और इस वजह से उनको फाइनेंशियल लॉस होता क्वेश्चन नंबर फोर हैड यू बीन इन प्लेस ऑफ द यंग मैन वट वुड हैव बीन योर चॉइस ऑफ प्रोफेशन अगर आप उस यंग मैन की जगह होते तो आप व्यवसाय में क्या चुनते आंसर आई वुड चूज़ द प्रोफेशन ऑफ अ क्लर्क द क्लर्क वर्क्स इन ऑफिस मैं क्लर्क का एक प्रोफेशन चूज़ करती क्लर्क जो है वो ऑफिस में काम करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव डू यू थिंक द यंग मैन विल कंटिन्यू टू वर्क एज अ शू शाइन क्या आप सोचते हैं कि यंग मैन ने शू शाइन की तरह काम करना जारी रखा होगा आंसर आई थिंक द यंग मैन विल नॉट कंटिन्यू टू वर्क एज अ शू शाइन ही विल गेट अ बेटर जॉब सूनर और लेटर मैं सोचती हूँ यंग मैन ने शू शाइन की तरह काम करना जारी नहीं रखा होगा कभी ना कुछ भी उसे अच्छी जॉब मिल ही जाएगी क्वेश्चन नंबर सिक्स शोभन लाल दो पुअर वॉज लार्ज हार्टेड गिव एट लीस्ट वन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर शोभन लाल हालांकि गरीब था लेकिन उसका दिल बड़ा था एक उदाहरण दीजिए अपने आंसर के लिए आंसर शोभन लाल वॉज अ पुअर मैन शोभन लाल गरीब आदमी था ही वर्कड एज अ शोशाइन वो शो शाइन की तरह काम करता था ही रियलाइज द प्लाइट ऑफ द पुअर यंग मैन उसने महसूस करी थी उस बेचारे यंग मैन की बुरी दशा को हिज हार्ट मेल्टिड विद पीटी दया से उसका दिल जो है वो पिघल गया ही डिड नॉट बॉदर अबाउट हिज पर्सनल बेनिफिट उसने ज़रा सा भी अपने पर्सनल फ़ायदे के बारे में नहीं सोचा ही परस अदर शू शाइन्स टू हेल्प द यंग मैन उसने दूसरे शू शाइन वालों को भी मनाया ही ऑल्सो गेव सम मनी टू हिम टू बाय मटेरियल और सामान खरीदने के लिए उसने भी कुछ पैसा दिया इसका बी पार्ट है कि सोचिए और अपने आंसर्स को दीजिए द नरेटर लिटरली जम्पड विध जॉय वैन ही वॉज अलाउड टू बिकम अ शू शाइन वॉट डज दिस मीन जो नरेटर था जो लेखक था वो ख़ुशी से एकदम उछल पड़ा इसका क्या मतलब है जब उसको ये अलाउ कर दिया गया कि वो शू शाइन की तरह काम करता है तो वो बहुत खुश हुआ तो इसका क्या मतलब है आंसर देखते हैं ही वॉज एक्साइटेड एट द एक्सेप्टेंस कि जब उसको अलाउ कर दिया गया तो वो बहुत एक्साइट हो गया ज सॉल्व डिज हिज प्रॉब ऑफ फूड एंड वर्क इससे उसके खाने की और काम करने की प्रॉब्लम हल हो गई थी इट वॉज हिज बिगेस्ट अचीवमेंट यह उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी देअर फॉर ही जम्प विथ जॉय इसलिए वो खुशी से उछल पड़ा क्वेश्चन नंबर टू डिट द नरेटर लुक डाउन अपॉन द वर्क ऑफ अ शूशाइन गिव रीजन क्या जो नरेटर था लेखक था वो शू शाइन के काम को नीचा देखता था आंसर नो द नरेटर डिड नॉट लुक डाउन अपॉन द वर्क ऑफ अ शूशाइन नहीं वो शूशाइन के काम को नीचा नहीं समझता था ही ऑफर टू बी अ शूशाइन हिमसेल्फ दो ही वॉज एन एडुकेटड यंग मैन उसने अपने आप को भी शूशाइन की तरह काम करने की पेशकश की हालांकि वो पढ़ा लिखा आदमी था इट फैश्ड मोर इनकम दैन द सेलरी ऑफ अ गवर्मेंट क्लर्क और ये काम जो है वो एक गोरमेंट के क्लर्क से ज़्यादा पैसा लेकर आता क्वेश्चन नंबर थ्री इट इज़ काइंड ऑफ पीपल वी आर दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द वे वी अर्न आर लिविंग हाउ इज़ दिस एग्जाम्पलीफाइड इन दिस इन द स्टोरी कि हम किस तरह के लोग हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि ये कि हम कैसे पैसा कमाते हैं और ये इस स्टोरी में कैसे दिखाया गया है तो इसका आंसर सिर्फ इतना सा आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ शोभन लाल एंड हिज फ्रेंड्स हेल्पिंग द नरेटर प्रूव्स देयर ह्यूमन वैल्यूज़ कि जो जिस तरह से शोमलाल और उसके दोस्तों ने नरेटर की हेल्प करी यही मानव मूल्यों को दिखाता है क्वेश्चन नंबर फोर इमेजिन यू आर द यंग मैन इमेजिन करिए कल्पना करिए कि आप यंग मैन हैं राइट अ पेज इन योर डायरी रिकॉर्डिंग योर रिएक्शन टू द कोऑपरेटिव जेस्चर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द शूशाइन एसोसिएशन अब आपको डायरी लिखनी है जिसमें आपको दिखाना है कि किस तरह से शूशाइन के मेंबर्स ने आपके साथ सहयोग किया तो ये डायरी लिख Dear diary, there was a union of the shoeshine working in Knot Circus. It had 30 members. Shoman Lal persuaded these members to let me work there. Firstly, they were all against. That would reduce the income of each shoeshine. But an educated man could help them in correspondence. Finally, they agreed. They all collected the money. दस प्रॉब्लम ऑफ़ मनी टू वॉज सॉल्व तो वो यहाँ बता रहे हैं कि एक चू यूनियन है क्रॉट सर्कस में तीस मेंबर हैं उसके शोमन लाल ने उन लोगों को मनाया कि मैं वहाँ काम कर सकूँ पहले तो वो इसके अगेंस्ट थे फिर उसके बाद क्योंकि इससे उनकी इनकम कम हो जाती थी लेकिन एक पढ़े लिखे आदमी उनको करस्पोंडेंस में अथॉरिटी से उनके पत्राचार में उनकी हेल्प कर सकता था इसलिए वो फाइनली एग्री हो गए आखिर में वो तैयार हो गए सहमत हो गए उन्होंने पैसा इकट्ठा करा और इस तरह से पैसों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई